says how to read your NCERT textbooks like a topper. देखो भाई NCERT textbooks सारे ही teachers ने आपको बताया कि आपकी भगवान है. NCERT का हर एक पेज हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भाई सबसे पहली चीज आपको NCERT book रीड करते टाइम क्या करनी है, जितने भी पेजेस हैं आपके उस चैप्टर के एक बार उसको चेकआउट कर लो कि टोटल कितने पेजेस हैं. फिर उसके बाद आपको लास्ट में एंड ऑफ द चैप्टर में आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं और क्विजेस दी होती है, एक बार उनको रीड कर लो. उनको रीड करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि चैप्टर्स में इन इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये चैप्टर्स के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. थर्ड मैं आपको यही बोलूंगी कि जब भी चैप्टर रीड कर रहे हो सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को बहुत अच्छे से रीड करना. और अगर मैं स्पेसिफिकली बायो की बात करूं तो बायो के डायग्राम्स की हेल्प से ही आप किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश करना, क्योंकि भाई डायग्राम का मीनिंग ही यही होता है कि वो आपको थ्योरी कहीं ना कहीं से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. तो जब भी आप बायो के चैप्टर्स रीड करो डायग्राम्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि वो डायग्राम्स आपको थ्योरी समझने में हेल्प करेंगे. ठीक है, तो इसी तरीके से सारी टिप्स को फॉलो करना और NCERT टेक्स्ट बुक्स को जरूर रीड करना. ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.